फूलों का गुलदस्ता, और हम आज सब फूलों के गाने गाएंगे और फूलों की बरसात करेंगे, और इस खुशबू में आज की रात हमारी गुजर जाएगी। रविंदर जी आ चुके हैं, देवल प्लीज टेक इट फॉरवर्ड। थैंक यू वेरी मच उजी जी, एंड थैंक यू वेरी मच म्यूजिकल माइंड फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी. थैंक यू स्नेह. वेलकम एवरी वन, एंड आई होप कि आपका ये आप ये आज की ये शाम काफ़ी एंजॉय करें. चलिए स्टार्ट करते हैं विथ उजी द ग्रेट. ये आप चाहते हो कि मैं गाना प्रिया आप चाहते हो मैं गाना स्टार्ट करूं? लेट्स एवरीबडी स्टार्ट स्लोली एंड है ग्रेजुअली। स्टार्ट करने वाला. सी उसी जी, एडवांटेज ये है कि आप गा लेते हैं, फिर जो लेट आते हैं ना वो एक बार और आपको गाने के लिए कहते हैं, तो हमें फिर से सुनने को मिलता है. दैट्स द ट्रिक. अच्छा तो तो चलिए मैं आप शुरू करता शुरू कर हूँ, मैं लीजिए. शुरू करता हूँ। चलिए ठीक है, ओके। मुझे थोड़ा सा सेटिंग चेंज करना पड़ेगा। लेट मी नो इफ यू आर हियरिंग मी क्लियरली, बिकॉज आई एम डिसकनेक्टिंग माई हेडफोन्स। कैन यू हियर मी? परफेक्ट। हाँ जी. सो आज मैं गाना गा रहा हूँ उदित नारायण जी का, जो कि अनाड़ी फिल्म से लिया गया है। बहुत अच्छा मेलोडियस एंड हैप्पी सॉन्ग है। सो आई होप यू विल एन्जॉय एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू परफॉर्म इट इन अ ओरिजिनल लेवल। सो लेट्स स्टार्ट। तेरा यहाँ कोई जवाब नहीं है,
शोभ बहारों में, महक नजारों में, बाग में भी ऐसा गुलाब नहीं है। खुशियों में तू है परी, हर गम से अनजान है। खुशियों में तू है परी, हर गम से अनजान है। रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के, कुदरत भी हैरान है। रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के, कुदरत भी हैरान है। सारे जहां में फैला उजाला, धरती पे छाई चमक चांदनी। सारे जहां में फैला उजाला, धरती पे आई चमक चांदनी। होठों पे तेरे गीतों की माला, सांसों में तेरी खुली रागनी। बैंड बजाऊंगा, झूम के गाऊंगा, ब्याह तेरा होगा, बारात सजेगी। सजनी सजन होंगे, लोग मगन होंगे, मेरी दुआओं से वो रात सजेगी। लंबी हो तेरी उम्र, हम सबका अरमान है। लंबी हो तेरी उम्र, हम सबका अरमान है। रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के, कुदरत भी हैरान है। रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के, कुदरत भी हैरान है। फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों सी मुस्कान है। रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के, कुदरत भी हैरान है। रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के, कुदरत भी हैरान है। वेरी नाइस, वेरी नाइस सुजी जी, हमने तो बहुत एंजॉय किया। वंडरफुल, वेरी गुड सुजी जी, थैंक यू, थैंक यू। स्नेहा तुम्हारी आवाज बहुत स्लो आ रही है। आई एम नॉट होल्डिंग द माइक, आई वाज गोइंग टू से द मकेदार बिगिनिंग हो चुकी है। थैंक यू सो मच। चलिए फिर आगे बढ़ाते हैं। खुशी जी, वेरी थैंक यू वेरी मच। राही जी मुझे दिखाई नहीं दे रहे और सईदा जी भी नहीं है, तो आई थिंक नेक्स्ट वन इज अशोक जी। व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज विद अशोक जी'स वीडियो, I'm mm-hmm. going to share the video and I'll play the audio from my phone because the audio from the computer doesn't come out so well. So let me mute everyone first. So Ashok ji is from Chennai and he's a part of Musical Minds since the beginning. And we have his brother Jao ji here. From Curacao, he has joined us. So, would you like to say hello, Jao ji? Mr. Jao, can you please unmute yourself and speak? Yeah, I just waved. Now I've unmuted. Hi, everybody. Nice to meet you all. Nice to be part of this group. Nice to meet you, Jao ji, as well. Pleasure. Good to know about you.
I'm from Curacao in the Caribbean, way below where Sneha stays. Oh, wow. सो जाओ जी, आपका स्वागत है आज हमारे प्रोग्राम में. आज हमारी होस्ट है देवल जी और स्नेह जी. आई एम सपोर्टिंग देम इन द बैकग्राउंड एंड थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस अपॉर्चुनिटी टू लिसन टू योर ब्रदर एज एन वीडियो इन द वीडियो फॉर्मेट. सो हम सब इनका गाना सुनेंगे और उसको एंजॉय करेंगे एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड. देवल प्लीज टेक इट ओवर. थैंक यू ऑल. यस, लेट मी जस्ट, आई हैड डाउनलोडेड हिज वीडियो, लेट मी लोकेट इट. Hold on a second. I think, Deval, you can move forward till then. Sneha will arrange this song and then we will listen to him after this song. Yes. So I think Ashok ji ke baad. किरण से दिल की कलम से तुझको लिखी रोज पाती, कैसे बताऊं जिसके तरह से पल पल मुझे फूलों के रंग से दिल की कलम से तुझको लिखी रोज पाती, कैसे बताऊं जिसके तरह से पल पल मुझे तू सताती. तेरे ही सपने लेकर के सोया, तेरी ही यादों में जागा, तेरे ख्यालों में उलझा रहा हूँ जैसे कि माला में धागा. हाँ, बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार. हाँ, इतना मधुर इतना मधुर तेरा मेरा प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार. सरगम धड़कन के बिना सपनों की गीतांजलि तू, मन की गली में महके जो हरगम ऐसी जूही की कली तू. छोटा सफर हो लंबा सफर हो सुनी डगर हो या मेला, या तू आए मन हो जाए के भी चकेला. हाँ, बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार. हाँ, इतना मधुर इतना मधुर तेरा मेरा प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार. पश्चिम उत्तर हो दक्षिण तू हर जगह मुस्कुराए, जितना ही जाऊं मैं दूर तुझसे उतनी ही तू पास आए. आंधी ने रोका
पानी ने ठोका, दुनिया ने हंसकर पुकारा। तस्वीर तेरी लेकिन लिए मैं कर आया सबसे किनारा। हाँ बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। हाँ इतना मधुर कितना मधुर तेरा मेरा प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार कई कई बार कई कई बार। वेरी नाइस अशोक जी, वेरी नाइस। Ashok Thekwani from Chennai. Thank you for sharing that song, Ashok ji. And please do enjoy the video later on. Over to you, Deval ji. Thank you very much, Ashok ji. It was very good and very madhur, really. Enjoyed it. Chaliye, aap aage badhte hain. Veena ji se. Veena ji. Hi, Veena ji. Apne aap ko unmute kar sakte hain. आप सबको नमस्कार, सलाम। होप यू हैड ए गुड डे, हैड ए लवली डे। आई वॉज एट द भक्ति मैदान वेदांता टुडे, हैड ए रिट्रीट। जॉर्ज हैरिसन एक्चुअली डोनेटेड द मैनर फॉर हरे कृष्णा पीपल, सो आई स्पेंड द डे देयर। इट वॉज सो लवली, इट वॉज वेरी नाइस। सो वेरी ब्यूटिफुल मीना जी, थैंक यू। तो सुनिएगा। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। हवाओं Thank you.
Thank you. Beautiful, Veena ji. And your background is so natural and beautiful. Thank as you. Always. Flowers. I'm going to have flowers as well. हमारी वीना जी हमेशा फूलों में ही रहती है और उनके आसपास हमेशा ही फूल बरसते रहते हैं। थीम बेस्ड वीना जी अवार्ड हो तो वीना जी को देना पड़ेगा। वीना जी आपने बहुत अच्छा गाया। इस गाने के बारे में कुछ बातें करना चाहूँगा मैं। इसमें राजेंद्र कुमार जी ने एक्टिंग की है, रफ़ी साहब का गाना है। रफ़ी साहब बहुत बड़े जिगर से गाना गाते हैं, सभी को पता है। उनकी तान, उनके गानों में कुछ ऊंची ताने होती है, कुछ नीची होती है। आपने, मैं हेडफोन पे सुन रहा हूँ, जो ऊंची तान है आपने उसको भी बहुत अच्छी तरीके से निभाने की कोशिश करी। सांसों की कमी पड़ जाती है कभी, क्योंकि रफ़ी की तान बहुत ऊँची होती है, लेकिन फिर भी आपने उसको निभाने की कोशिश की। और जो गाने का फील था, ये गाने का वो फील आपने नहीं छोड़ा, उसको पकड़े रखा। आई एम श्योर इस बात से अफजल भाई भी राज़ी होंगे कि जो गाने का फील है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि रफ़ी के गाने ये बहुत सुनते हैं और ये रफ़ी साहब के फ़ैन हैं और मैं भी रफ़ी साहब के गाने बहुत सुनता हूँ। बहुत अच्छा गाया आपने, उस फील को मेंटेन किया। हमने बाहर होके फूल बरसाने की कोशिश की आप पे, लेकिन आप गाने में बिजी थी, लेकिन कोई बात नहीं, बहुत अच्छा लगा। चलिए, हमको ये गाना बहुत पसंद है क्योंकि हम छोटे थे तो ये देखे हैं, फूलों सब जगह में है। एंड विजयंतीमाला इज़ वन ऑफ माई फेवरेट, एंड राजेंद्र कुमार, आई लव हिम। So thank you so much for all your compliments. Just a small reminder before we proceed, those who are singing with a Bluetooth mic to have their original sound checked before, right before your performance. And whenever you, the others with a mixer, whenever you speak, please turn off your echo so we can understand your voice, you know, whatever you're saying better. And Jaoji, would you like to go earlier than your order on the list? Because I know you have responsibilities to handle. Let us know when you're ready. Anytime okay. You want me to, I'll sing, no problem. Okay, then we have the list in the group. Thank you. Thank you. Devilji, you may continue. Thank you, Sneeji. Thank you, Veena ji. Bahut acha Srila song tha. I really loved it. Iske saath ab thode se aage badhenge. Anisha ji, आप रेडी हैं? दिस इज तो अनीशा जी, फूल तुम्हें भेजा है खत में। आप अपने आप को अनम्यूट करें। आई हैव, थैंक यू। कैन यू हियर मी? या वीना जी, बहुत अच्छा गाया आपने, वन ऑफ द वेरी पॉपुलर सॉन्ग, हर शादी में गाया जाता है। थैंक यू। Thank you.
बढ़ाकर भूल न जाना, प्रीत तुम्हीं में सिखलाई, फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है, फूल तुम्हें भेजा है खत में। खत से जी भर ताहि नहीं अब नैन मिले तो चैन मिले, खत से जी भर ताहि नहीं अब नैन मिले तो चैन मिले, चांद हमारे अंग न उतरे कोई तो ऐसी रैन मिले, मिलना हो तो कैसे मिले हम, मिलने की सूरत लिख दो, मिलने की सूरत लिख दो, नैन बिछाए बैठे हैं हम, कब आओगे खत लिख दो, फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल ही मेरा दिल है, प्रीतम मेरे मुझको लिखना क्या ये तुम्हारे काबिल है, क्या छुपा है खत में इतना जितने सागर में मोती, चूम भी लेता हाथ तुम्हारा पास जो तुम मेरे होती, फूल तुम्हें भेजा है खत में। थैंक यू। गुड चॉइस अनीशा जी, द लिरिक्स वर वंडरफुल एंड आपने बड़ा टिका टिका के गाया इसको, तो मजा आ रहा था हमें। इट इज अ वेरी स्लो सॉन्ग, इट्स नॉट अ फास्ट सॉन्ग। थैंक यू। काफी अच्छा था अनीशा जी, एंड वी एंजॉयड। अनीशा जी, अनीशा जी आपने बहुत अच्छा गाया। एक बात बताना चाहता हूँ आपके इस गाने के ऊपर से, 99% लोग दुनिया में ये चीज़ नहीं जानते कि फूल के बारे में एक ख़ास बात है और गाने में भी वो सिमिलैरिटीज़ है, इसीलिए आज का जो टॉपिक फूल चूज़ किया गया था ये चीज़ों को उजागर करने के लिए। तो आपने जो अभी गाना गाया, आपने उसको अपने अंदाज में गाया और म्यूज़िक का यूज़ किया, वर्डिंग्स गाने के थे और फूलों की बात चल रही थी। आपने कभी, सब लोगों ने कभी ये एग्ज़ामिन किया है कि जब हम फूल अपने हाथ में लेके उसकी खुशबू लेते हैं तो एक चीज़ ऐसी होती है हमारे बॉडी के अंदर जो अनवॉलेंटरीली होती है, हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं और वो अपने आप ही हो जाती है। वो क्या है? वो ये है कि जब हम फूलों की खुशबू लेते हैं तो अपनी आंखें अपने आप ही बंद हो जाती है उस खुशबू को फील करने के लिए। वो आंखें बंद इसलिए होती है क्योंकि हमारी आत्मा उस खुशबू को फील करना चाहती है, और गाना भी वही है, जब गाते हैं तो उसको फील करना चाहिए और वो फीलिंग्स हम दूसरों की तरफ जब भेजते हैं तो वो अपने आंखें और अपनी सोल को उसको फील करते हैं, तब उसका मज़ा आता है। तो फूलों का और म्यूज़िक का एक दूसरे के साथ में बहुत ज़्यादा तालमेल है। कई चीज़ें वॉलेंटरीली अनवॉलेंटरीली हमसे हो जाती है जिस पर हम नोटिस नहीं करते हैं। 99% लोग दुनिया में ये नहीं जानते कि जब फूल की खुशबू लेते तो आंखें अपने आप ही बंद हो जाती हैं। क्यों? बिकॉज वी नीड टू फील दैट खुशबू। सो बहुत अच्छा गाया अनीशा जी आपने। आगे बढ़ते हैं, देवल ओवर टू यू। एक सेकंड be careful if you are using fool in Hindi, it's fine, but if you are using fool in English, you have to keep your eyes open. हाँ, ये भी बात है। पंकज जी ने हमको ज्वाइन कर लिया है और बिना जोक के एंजॉयमेंट नहीं है, हंसी मजाक तो होना चाहिए। थैंक यू सो मच पंकज जी। थैंक यू सो मच उजी जी, एंड थैंक यू सो मच पंकज जी। आपने सही कहा उजी जी, जब आप फूलों को रहते हो तो आप आंखें बंद करके उसकी खुशबू ले सकते हैं,
और मैंने एक और चीज़ नोटिस की है कि ये फूल पे कभी भी सैड सॉन्ग नहीं बने। मुझे नहीं पता, मुझे मुझे तो आजकल ऐसे कोई गूगल की लिस्ट में आया नहीं, तो सारे फूल पे जो सॉन्ग बने हैं वो सारे हैप्पी है। तो भले फूल का यूज़ इस्तेमाल सब जगह पे होता है, शैया पे भी होता है, बट कभी ऐसे सॉन्ग तो मैंने सुने नहीं जिसमें फूल के हमेशा ऐसा लगेगा हैप्पी सॉन्ग इज ऑलवेज देयर। वेरी गुड देवल, आपने बहुत अच्छे पॉइंट को मतलब दर्शाया है। हम लोग अर्थियों पे भी फूलों का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि फूल गॉड की एक ब्लेसिंग्स है हम पे, और फूल हमेशा नेचर को प्रेज करते हैं। सो व्हेन वी आर गोइंग और गोइंग अवे फ्रॉम दिस वर्ल्ड, जब हमारा शरीर इस आत्मा को त्याग देता है, तब हमारी लाइफ ख़त्म नहीं होती, दूसरा लाइफ शुरू होता है। अनएंडिंग एवर एंडिंग लाइफ हमारी शुरू होती है हमारी आत्मा की, और उसको खुश करने के लिए फूलों के जो चादरें हैं वो चढ़ाए जाते हैं अंतिम संस्कार के वक्त। सो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। कैन आई से समथिंग उजी एंड देवाल जी, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन आपने दिए। फूलों के इस्तेमाल हर जगह में होती है, जैसे कि बर्फ, जैसे कि बच्चे जन्म भी लेते हैं तो हम पूजा भी करते हैं, स्वागत भी करते हैं। एंड जब इंसान कि तबीयत ठीक भी नहीं होती है, जैसे कि हॉस्पिटल में, तो लोग फूल लेके आते हैं क्योंकि ना यू फील बेटर, इट हैज सम हीलिंग पावर विद इन फ्लावर्स, हीलिंग प्रॉपर्टीज, वेरी नाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं, देवल जी ओवर टू यू। थैंक यू सो मच वीना जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अनीशा जी के बाद आएंगे अजय जी। हेलो एवरीवन, अजय जी, या कैन यू हियर मी? Yes. Good, good. Mera song, I don't think it's a happy song, Do Raste Ka, but I hope you like it. Kiza ke phool pe आते कभी बहार नहीं, मेरे नसीब में है दो तेरा प्यार नहीं, मेरे नसीब में है दो तेरा प्यार। नजर से गिर जाऊं तेरी कसम है मेरा कोई एतबार नहीं, मेरे नसीब में है दो तेरा प्यार। किसी खुशी का मेरे
इंतजार नहीं मेरे नसीब में है तो तेरा प्यार नहीं गरीब के करे अमीरों से बिछड़ गए है कहीं रांझे अपनी हीरों से किसी को अपने मुकद्दर पे इख्तियार तेरा प्यार नहीं किसा के फूल पे आती कभी बहार नहीं मेरे नसीब में है दो तेरा प्यार बहुत अच्छा गाया अजय जी आपने बहुत ही अच्छा सॉन्ग था आप उस सॉन्ग को एंजॉय भी कर रहे थे और मैंने नोटिस किया जैसे आप स्नेह जी ने बताया योर बॉडी लैंग्वेज इज़ एंजॉयिंग उसके रोम रोम को आप फील करते हैं उस गाने को एक चीज़ बताना चाहूँगा आपके गाने के बारे में आप बहुत अच्छा गाते हो और हम ज़्यादा इन्जॉय करना चाहते हैं उसको तो इस बात को मेरी निगेटिव सेंस में नहीं लेना आप शायद कोई ऐसी जगह पे बैठे हैं जहाँ पर आप अपने आप को रोक के गा रहे हो ऐसा फील हो रहा था मुझे आपकी आवाज़ से तो आपकी म्यूज़िक सही है आपका म्यूज़िक सिस्टम सही है मिक्सिंग सही हो रही है जो हाई नोट्स होते हैं उसको आप थोड़ा मुझे लगता है अगर खुल के गाओगे आवाज़ को ज़्यादा आने दो बेसुरी नहीं लगती आवाज़ लाउड आती है तो वो जो गाना आप गा रहे थे आपने कंट्रोल करके गाया आपने आपको तो मैं चाहता हूँ आप खुल के गाइए ताकि हम उसको और एन्जॉय करें इट वॉज़ वंडरफुल बट और भी ज़्यादा मज़ा आ जाता उन फूलों के ऊपर अगर कुछ और कलर लग जाते हैं ओपननेस के तो टेक इट इन पॉजिटिव वे इट वॉज़ वेरी नाइस I think it's a good advice. That's the only way to improve. Thank you so much. Exactly. You're welcome. इनकी आवाज में और जैसे पंकज जी के आवाज में एक प्यारा बड़ा प्यारा टेक्सचर है वो बहुत अच्छा लगता है जब गाते हैं तो एक रिक्वेस्ट है थोड़ी सी माइक की वॉल्यूम इंक्रीज कर लें आप बस फिर और भी ठीक हो जाएगा थैंक यू जी टेक द कॉम्प्लीमेंट वेयर आर यू वाज इट टू लाउड माइक का बोलने नहीं नहीं उनका बोलने का मतलब है उनका बोलने का मतलब है रविंद्र जी के कि आप खुल के गाइए दैट्स इट इट्स ऑल गुड थोड़ा सा माइक की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए थोड़ी सी ज्यादा नहीं ओके देवल ओवर टू यू टेक इट ओवर थैंक यू अजय जी फॉर द लवली सॉन्ग वी एंजॉयड चलिए आगे बढ़ते हैं अब मैं नेक्स्ट बुलाऊंगी सुमन जी से सुमन जी Hi. Hello. Hi, everyone. Hi, Devil, we met briefly, if you remember that. Yes. Anyway, you're doing a good job. Thank you so much. एक और कंपैरिजन एवरीबॉडी वॉज टॉकिंग अबाउट फूल तो फूल और कांटे का भी एक मेल है और हम हिंदी पोएट्री में बहुत यूज करते हैं फूल को हम रिफ्लेक्ट करते हैं एज अ सुख एंड कांटा इज दुख यू नो लाइक सो दिस इज वॉट एनी वे माई सॉन्ग इज फ्रॉम अनोखी रात And it's originally sung by Mohammad Rafi again, so let's see. Mile na phool to kaanton se to sidhi kar le Mile na phool to kaanton se to sidhi kar le
हमने जिंदगी में मिले न हो चौहान कराओ के को सचमुच दाद देनी चाहिए, इतने अच्छे अच्छे गाने उन्होंने कराओ के में बनाए. सो सुमन सेठ जी, बहुत अच्छा गाया आपने. देवल जी भी अपनी राय पेश करेंगे इस मामले में, और स्नेह जी भी. इट वाज वेरी नाइस सॉन्ग. एक चीज़ और बताना चाहूँगा सुमन सेठ के गाने के बाद, हम लोग अक्सर ओरिजिनल गानों के को सुनकर उस मोड में, इतने उस ओरिजिनल साउंड के मोड में होते हैं कि गाने को दूसरे अंदाज में सुनना पसंद नहीं करते. लेकिन मौसीकी के अंदर कोई लिमिट नहीं है, बंदा अपनी तरीके से भी अपने गाने गा सकता है, बस वो सुरीला हो और सुनने में अच्छा लगे. तो सुमन सेठ जी, आपने जो गाना गाया अच्छा लगा सुनने के लिए. वेल डन, वेरी गुड. देवल, प्लीज एक्सप्रेस योर व्यूज अबाउट इट. सुमन जी, ये काफ़ी अच्छा सॉन्ग था और मेरा भी फेवरेट है काफ़ी, और आपने काफ़ी अच्छी तरह से उसको निभाया है. एंड वी कुड एबल टू हियर योर ब्यूटीफुल वॉइस विच इज नाइस. एंड Can you give applause to our new host who is only 17 years old plus 5? she joined 3 weeks ago and now she is a professional. आप कहाँ छुपे बैठे हो पंकज जी? ये मुखड़ा दिखाइए जरा. Thank you so much, uncle. But नहीं, मैं actually this is the first time I'm hosting and first time on the screen as well. So I'm not so pro. कोई बात नहीं देवल जी, यहाँ पर कोई भी प्रो नहीं है, यहाँ पर कोई भी प्रो नहीं है, सब नेचुरल ही है और बहुत अच्छा कर रही हो तुम. गो अहेड. थैंक यू सो मच. या यू आर डूइंग अ गुड जॉब देवल. यस, थैंक यू. आगे करते जाओगे रिकॉर्ड टूटता जाएगा.
नहीं, चलिए अभी आप अपने अपने आप को आगे बढ़ाते हैं फूलों की थीम आगे से। नहीं आगे, मैं तो भूपिंदर जी, शुड आई वेलकम यू प्लीज? घोड़े पे सवार रहता हूँ मैं तो, मेरा तो नाम आना चाहिए। उसके जी पापा जी, कोई गल नहीं, तुसी आ जाओ यार, कोई गल नहीं। तो सुनिए जी, ना चाहत के अंदाज अलग, ना दिल के जज्बात अलग, ना चाहत के अंदाज अलग, ना दिल के जज्बात अलग, की सारी बात लकीरों की, मेरे हाथ अलग तेरे हाथ अलग। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मैं ये गाना भी गजल गजल ही लगती, मेरे तो गजल है ये लगती, ये गजल है मेरी। फिर छिड़ी रात बात फूलों की, तो पिक्चर है ये बाजार 1982 की, तो लता जी को भी इसमें आ जाएंगी, तो लता जी को भी श्रद्धांजलि हो जाएगी आज मेरी तरफ से। तो लता जी और तल्स जी ने गाई है, लिरिक्स है मखदूम जी के और म्यूजिक है ख्याम जी का। सभी ने फूलों की बात की, 1, 2, 4, 10, 20 होंगे, मेरे इस गाने में तो बरात ही फूलों की है। तो सुनिए। खिचड़ी रात बात फूलों की, खिचड़ी रात बात फूलों की, रात है बारात फूलों की, रात है बारात फूलों की। फूल के हार, फूल के गजरे, फूल के हार, फूल के गजरे, शाम फूलों की रात आपका साथ साथ फूलों का, आपका साथ साथ फूलों का, आपकी बात बात फूलों की, आपकी बात बात फूलों की, खिचड़ी रात बात फूलों की। फूल खिलते रहेंगे दुनिया में, फूल खिलते रहेंगे दुनिया में, रोने निकलेगी बात फूलों की, रोज निकलेगी बात रात बात फूलों की। नजरें मिलती है काम मिलते हैं, नजरें मिलती है काम मिलते हैं,
मिल रही है हयात फूलों की, मिल रही है हयात फूलों की, रात बात फूलों की। ये महक से गुजर मखलूं, ये महक से गुजर मखलूं, जैसे सहरा में रात फूलों की, जैसे सहरा में रात फूलों की, खिंची रात बात फूलों की, रात है या रात फूलों की। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आप तो पूरी बारात लेके आ गए भूपिंद्र जी, क्या बात है। हर लाइन में फूल का नाम आता है, हर लाइन में फूल का नाम आता है। रविंद्र जी आपने जो गजल चूज की बहुत बेहतरीन गजल है। लता जी के साथ तलत अजीज जी है जो कि तलत महमूद के बेटे हैं और इन्होंने गज़ल गायकी में अपना बहुत नाम कमाया है। गज़ल की महफिल हमारी म्यूज़िकल माइंड्स की आ रही है अगले हफ्ते, इसमें गज़लों की बातें होंगी। गज़ल का माहौल बड़ा पुरसकून माहौल होता है। 12वीं शताब्दी में गज़ल का जन्म हुआ था साउथ एशियन कंट्रीज़ से। एक्चुअली गज़ल का जो इन्फ्लुएंस है वो अरबिक कल्चर से आता है। पुराने ज़माने में अरबिक कल्चर्स में कुरानों को पढ़ा जाता था तजवीद और तरतील के साथ में। ये एक मेथड है कुरान शरीफ की, कुरान की वर्सेस को लिरिकल अंदाज में पढ़ने के लिए, म्यूज़िकल अंदाज में पढ़ने के लिए। वहाँ से जन्म हुआ था गज़लों का और वो उठाई गई वहाँ से और पोएम्स में लाई गई, पोइट्री में लाई गई। फिर धीरे धीरे वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स की तरफ बढ़ी और ऐसे करते करते टर्की तक पहुँच गई। तो आज की डेट में गज़ल्स की जो महफिलें जमती हैं वो मोस्ट प्रोबेबली अरबिक कल्चर्स, एशियन कॉन्टिनेंट्स और टर्की में भी चलती है यूरोप के अंदर। तो बहुत अच्छा लगा, गज़ल बहुत बेहतरीन थी, पुरसकून माहौल था, मज़ा आ गया बारात फूलों की सुनकर। ओवर टू देवलेंस ने प्लीज़। मुरली जी आप तो एकदम बढ़िया हैं यार, मतलब पूरा गूगल खोल के रख देते हैं या तो फिर आपके दिमाग के अंदर सारा पिटारा भरा हुआ है जो बाहर आ रहा है। नहीं मैं कभी गूगल रिफर, नॉट गूगल, दिस इज स्पॉन्टेनियस, इट्स नॉट गूगल, गूगल से भी बहुत ज्यादा बढ़िया है एक्चुअली। मैं बचपन से ही मौसीकी का शौकीन रहा हूँ, गुलुकारी का शौकीन रहा हूँ, सॉरी आई यूज उर्दू वर्ड्स, मैं म्यूजिक का शौकीन रहा हूँ, गानों का शौकीन रहा हूँ और तमाम शेर व शायरी भी पढ़े हैं। कैफ जो शायर है, ज़ौक कैफ, फैज़ अनवर फैज़, कैसरुल जाफरी, कतिल शिफाई, मिर्ज़ा गालिब, इनके दीवान पढ़ चुका हूँ और इन सब चीज़ों की स्टडी कर चुका हूँ। तो जो इन्फॉर्मेशन मेरे दिमाग में आती है गज़लों को लेकर या किसी भी स्पॉन्टेनियस सॉन्ग को लेकर वो मैं एक्सप्रेस कर देता हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी होती है कई लोगों को नहीं पता होती, जब पता हो जाती है तो फिर सुनने में भी अच्छा लगता है। सो इट्स नॉट अबाउट गूगल, इट्स वट एवर देर इज इन इन माई ब्रेन, यू नो। यूजी सोते हो कि नहीं सोते हो? मैं सोता हूँ, 6 घंटा सोता हूँ, जिसमें 3 घंटा डीप स्लीप लेना बहुत ज़रूरी है हमारे बॉडी के लिए। वो 3 घंटे की स्लीप ही इनफ है हमारे ह्यूमन बॉडी के लिए। वेरी नाइस, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन उदय जी। हम काफ़ी एक्चुअली फीलिंग प्राउड कि हमारे साथ एक ऐसे ज्ञानी आदमी भी है जो हमें सारी इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं, वरना हमें तो आधी से ज़्यादा चीज़ें कुछ पता नहीं होती। सो इट्स वेरी नाइस एंड एवरी टाइम we really like your comments and your information, so please carry on. चलिए अभी आगे बढ़ाते हैं। रत्ना जी, रत्ना जी के बाद कौन है बोल देना जरा। रत्ना जी अनम्यूट करिए अपने आप को, रत्ना जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। रत्ना जी नमस्कार एवरीबॉडी, रत्ना जी के बाद सॉरी जी, इट इज वंडरफुल, लव लव योर ऑल द एक्सप्लेनेशन। Is my microphone sound too much or it is okay? I think it's okay. Okay. And Bhupinder ji, I loved your ghazals so much.
Shall we start now? आप अपना ओरिजिनल साउंड चेक कर लीजिए रत्ना जी. ओह गॉड, दैट्स व्हाट प्रॉब्लम इट इज. इज इट ओके नाउ? या हां, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग, कीप फॉरगेटिंग. ओके, द सॉन्ग आई चोज, देयर इज अ फूल इन द नेक्स्ट स्ट्रेंजर, सो आई चोज दिस सॉन्ग स्पेशली बिकॉज़ इट सेज द वर्ड इज दैट second strofe, phoolo ki daliya vi, so I thought is within the theme. सुनो सजना
So proud to have you around, and I really love the way you sing. Thank That's you. All I would say. But it was everything was too much in here, like your sound, microphone sound, my karaoke sound. I don't know what I was doing. I really prefer to sing without it, but I will try. Love. I especially love to hear you on the harmonium always. That's what I was telling you also. The simplicity of it is so much better for the ears. But was it sound, the karaoke sound, a track sound and the voice sound, did it blend okay or not? Perfect. We enjoyed the performance. Deval, aap apna... For you, you're used to the harmonium. देवल आप अपना व्यूज़ बताइए, फिर मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा रत्ना जी के सिंगिंग के बारे में जो आप सभी को म्यूज़िक प्रेमियों को पता होनी चाहिए. रत्ना जी हमारे बीच एक स्पेशल पर्सनालिटी है. इवन आई डोंट नो इफ शी नो इट, बट आई एम श्योर शी हैव ऑल दिस नॉलेज. देवल जस्ट गो हेड विथ योर व्यूज़ फर्स्ट. आई थिंक आई कैन रिलेट माई सेल्फ वेरी मच विथ रत्ना जी. रत्ना जी मैंने म्यूज़िक पे या कैरोके पे अभी कभी गाना सीखा है, जस्ट 2-3 वीक्स बिफोर. दैट वॉज माई फर्स्ट सॉन्ग आई सैंग. मैंने ऑलवेज हारमोनियम पे सीखा था एंड आई ऑलवेज लाइक अ बाथरूम सिंगर और किचन सिंगर, नेवर डन विथ म्यूज़िक, बट फर्स्ट टाइम आई ट्राइड. मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि जब ओरिजिनल वॉइस आपकी अगर बहुत अच्छी है, फॉरगेट अबाउट म्यूज़िक, वो कुछ भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. आपका वोकल अच्छा होना चाहिए एंड दैट इज़ इन यू. मैंने अभी जब भी आपको सुना है या आपसे बातें की है, आपका वोकल इट्सेल्फ इट्स सो सूदिंग, यू डोंट नीड म्यूज़िक. एग्जैक्टली, वेरी गुड देवल. बहुत अच्छा पॉइंट बताया देवल ने. आई एम रियली प्राउड ऑफ देवल के देवल ये सब चीज़ सोचती है बिना नॉलेज के, लेकिन उसने जो बोला है उसमें एक नॉलेज छुपा हुआ है. रत्ना जी जो गाना गाती हैं या जिस तरीके से गाती हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्लासिकल सिंगिंग और हिंदी में कहा जाए तो पाश्चात्य संगीत कहा जाता है इसे. आज से 6000 साल पहले मैंने जब कंपैरेटिव वर्ल्ड रिलीजन की स्टडी शुरू की, उसमें वैदिक लिटरेचर्स को मैं पढ़ रहा था, बहुत सारे वेदास पढ़े हैं मैंने, और आज से 6000 साल पहले वैदिक लिटरेचर में भी इसका जिक्र आया है कि उस ज़माने में चैंटिंग होती थी, देवों के नाम को चैंट किया जाता था, मंत्र पढ़ाए जाते, मंत्र पढ़े जाते थे, जिसको हम लोग उर्दू में तस्बीह कहते हैं, भगवान का नाम जपना. तो वो जप जो होता था, वो जाप जो होता था, वो चैंटिंग जो होती थी, वो होती थी पाश्चात्य संगीत के रूप में, क्लासिकल सिंगिंग के रूप में. तो रत्ना जी जो है हमारे में एक क्लासिकल सिंगर है, इनके जो सुर है वो इतने पक्के हैं कि पुराने ज़माने में इनको चैंटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता था. इनमें एक प्रभाव है जो हमारी रियलिटी को मोल्ड कर सकती है, बेंड कर सकती है. दैट इज कॉल्ड बेंडिंग द रियलिटी इन टुडेज वेस्टर्न वर्ल्ड. तो जो देवल ने बात कही कि म्यूजिक एक सपोर्ट है उस क्लासिकल पाश्चात्य संगीत को एक नया रूप देने के लिए, सो रत्ना जी इज अ ज्वेल हैविंग दिस क्लासिकल सिंगिंग एक्सपर्टीज इन हर, विच एक्चुअली कैन चेंज द एंटायर रियलिटी ऑफ आवर एग्जिस्टिंग मैट्रिक्स. सो 6000 साल पुरानी कला है और रत्ना जी ने आज भी उसको जिंदा रखा है. आई वॉन्ट एवरीबडी शुड गिव अ बिग हैंड टू हर प्लीज. मैं तो उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ.
Over to you, Sneha and Deval, please. Deval, unmute yourself. Okay, while Deval is getting ready. I want to say something. तो ये एक शायरी है फूलों के ऊपर. आज सोचा कि जवाब क्या भेजूं आप सबको, आप जैसे लोग, लोगों को क्या खिताब दूं. कोई और फूल हो तो मुझे पता नहीं, जो खुद गुलाब हो उन्हें गुलाब क्या भेजूं. क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत खूब. नहीं, आप तो छा गए स्नेह जी, क्या बात है, वेरी नाइस. मैं तो गूगल गूगल फैन. ढूंढ के लाना और सही टाइम पे बोलना, दैट इज आल्सो अ टैलेंट. आई अप्रिशिएट दैट टैलेंट. देवल, यू आर डूइंग वंडरफुल जॉब. आई डिड नॉट नो यू आर सो यंग. यू स्पीक सो वेल, रियली आई लव इट. नहीं, थैंक यू रत्ना जी, मैं इतनी यंग नहीं हूँ, मैं तो मिडिल एज में हूँ. और अभी व्हाट हैपेंड, यू आर सो स्वीट, यू आर वेरी स्वीट, रिवील ऑन ज़ूम, थैंक यू. चलिए अभी मैं इंट्रोड्यूस करा दूँ मेरे पति देव जी को, हेमंत. हेलो, नमस्ते. नमस्ते हेमंत. आज आप ये मान सकते हैं आज मेरा डेब्यूट है. पहली बार आई एम सिंगिंग म्यूजिकल माइंड्स. So let me introduce you. क्या नाम बताया आपने आपका? हेमंत. Ladies and gentlemen, please welcome Mr. Hemant, debuting for the first time in Musical Minds. Welcome, Mr. Hemant. Please go ahead. Thank you, Mr. Uzi, and thank you everyone for letting me sing today. And I'm going to sing one of my favorite songs along with Deval, of course. It's one of the classical song, I believe, from Lata Ji and Kishorda. It's my favorite, and we tried earlier, and I know I was not singing that well as compared to some of the people I have heard today. So please bear with me, and I'm sure Deval is going to sing well. So here we go. से दूर दूर यकीन की हद के पास पास, दिल को गर्म ये हो गया उनको हमसे प्यार है. देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाहों में है गुल खिले हुए. देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाहों में है गुल खिले हुए. ये गिला है आपकी निगाहों से, भूल भी हो दरमियां तो फासले हुए. देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाहों में है गुल खिले हुए. Thank you.
मेरी सांसों में बसी खुशबू तेरी, ये तेरे प्यार की है जादूगरी। तेरी आवाज है हवाओं में, धड़कनों में तेरे गीत हैं मिले हुए, देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, छुपा लूं तुझे मैं बाहों में, तेरी तस्वीर है निगाहों में, दूर तक रोशनी है राहों में, कल अगर न रोशनी के काफले प्यार के हजार दीप हैं जले हुए, देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाहों में है गुल खिले हुए, ये गिला है आपकी निगाहों से, यदि वो दरमिया तो फासले हुए, देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाहों में है गुल खिले हुए। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे अमिताभ बच्चन और रेखा की केमिस्ट्री चल रही है स्क्रीन के ऊपर, और अभी या तो सिलसिले की स्टोरी शुरू होने वाली है या तो फिर कभी 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 की, तो फिर वो एक शेर याद आ जाता है मुझे। नहीं करेगी सर, मतलब वो दोनों की स्टोरी अलग थी पिक्चरों की। उसमें तो मैंने वही बोला कि अमिताभ बच्चन की आवाज आ रही है। आई हैव अ क्वेश्चन फॉर मिस्टर हेमंत गुजराती। जी सर, डिड यू सिंग दिस अंडर स्ट्रेस और वॉलंटियरली? बिकॉज़ आई इन अ वे बोथ, सो आई लव दिस सॉन्ग, सो एज आई एम लाइक अ बाथरूम सिंगर एज वेल, अ किचन सिंगर। सो यू डिडंट सिंग, यू डिडंट सिंग अंडर स्ट्रेस, यू वॉलंटियरली? आई वाज मोटिवेटेड टू बी सिंगिंग हियर, एंड वेरी गुड, वेरी गुड, इट जस्ट हैपेंड टू बी टुडे, बिकॉज़ इट डजंट हैपन इन माय हाउस, आई हैव टू बी ड्रैग्ड अपस्टेयर्स टू विद माय इयर्स पुल्ड, यू नो, दैट्स व्हाई आई वाज वंडरिंग। आई एम रियली हैप्पी कि हेमंत जी आप इंस्पायर्ड हो गए हम सब छोटे मोटे कलाकारों से, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि यू टेक एन इनिशिएटिव टुडे एंड यू सैंग विद देवल, इट वाज वंडरफुल, बहुत अच्छा लगा। आपके गाना सुनते सुनते मैं कुछ पलों के लिए कुछ मूवीज़ के शॉर्ट्स में खो गया था, और एक शेर याद आ गया मुझे कभी कभी का, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नर्म छाँव में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी, ये रंज और गम की स्याही जो इस दिल पर छाई है तेरी नजर की शुआओं में खो भी सकती थी, मगर ये हो न सका, मगर ये हो न सका, और अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरा गम तेरी जुस्तजू भी नहीं, भटक रही है जिंदगी अंधेरों में मेरी, जैसे इसे किसी के आरजू की जरूरत भी नहीं, मैं जानता हूँ मेरी हम नफस मगर यूं ही कभी 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 मेरे दिल में ख्याल आता है। अरे सर, ये मेरा फेवरेट लाइन भी है, इन द सेंस इट डजंट फिट इन आवर लाइफ दो, बट
मतलब ये मैं इनको पहले भी शादी के पहले भी सुनाया था इनको मैंने जब ये इवन बहुत फेमस पोएम है जो उन्होंने गाई है। अमिताभ जी की आवाज़ में बहुत अच्छी लगती है सुनने में। हमारी आवाज़ तो फिर भी ठीक ठाक ही है, कभी कभार कोशिश कर लेते अरे हैं। सर नहीं वो भी बता रहा हूँ कि ये जो है मेरा फेवरेट था। मैंने इनको शादी के पहले वी वर जस्ट डेटिंग दैट टाइम आई आई टोल्ड हर दैट सॉन्ग एंड ये गाना मैंने अपने उस पे भी गाया था क्या बोलते हैं अपने एलुमनाई मीट पे भी। आई वाज आस्क्ड टू डू एन इम्प्रोम्प्टू थिंग सो आई आई डिड दैट वेरी एंड गुड, आई नाइस, वाज गिवन सम अवार्ड फॉर दैट बट दैट वेरी वाज गुड, वेरी गुड। डिकेड्स अगो। ओके थैंक चलिए यू आगे वेरी बढ़ते हैं। स्नेह जी एंड देवल जी ओवर टू यू, प्लीज प्रोसीड। या लेट मी शूट सम प्रेजेस एट दिस कपल। वी वुड लाइक टू सी यू मोर ऑफ्टन हेमंत जी। जी वी विल मेक यू अ परमानेंट मेंबर ऑफ म्यूजिकल माइंड्स। वी आर ग्लैड टू हैव यू। सो वेलकम। वॉलंटियरली, डोंट कम अंडर स्ट्रेस। आई ट्राई माय बेस्ट। थैंक यू। ओके so moving forward, do you have the list open, Devalji? Yes, I think I'll मैं invite करना चाहती हूँ भरत जी से। भरत जी thank you और उसके बाद मंगला जी, आप ready रहिए। yeah lovely to you भरत जी। let me just mention something. there's a couple called Billa with us. they are guests for today. I would like you to give them either my spot or just before me. So they are Pankaji's guests. Okay. He's having problems with his video and audio. Also, so another I'm trying time to tell then. Him to uninstall Zoom and reinstall Zoom, but he can't open his camera. I don't know what's the problem with his computer. Okay, let so them sort their issues. Until then, Bharatji, please aap proceed कीजिए, अपना गाना गाइए please. थैंक यू। सभी म्यूट कर दो प्लीज। थैंक यू। मेरा गाना है मुकेश एंड लता जी का गाया हुआ ड्यूएट है। होप यू लाइक इट। तेरे होंठों के जो फूल प्यारे प्यारे, तेरे होंठों के जो फूल प्यारे प्यारे, तेरे प्यार की बहारों के नजारे, अब मुझे चमन से क्या लेना क्या लेना। तेरे होंठों के तो फूल प्यारे प्यारे, तेरी काया कंचन कंचन किरणों का है इसमें बसेरा, तेरी सांसें महकी महकी तेरी जुल्फों में खुशबू का डेरा, तेरा महके अंग अंग जैसे सोने में सुगंध, मुझे चंदन बन के क्या लेना क्या लेना।
तेरे होंठों के दो फूल प्यारे प्यारे, मेरे प्यार की पहाड़ों के नजारे। तेरा मुखड़ा दमके चमके जैसे सागर पे चमके सवेरा, तेरी बाहें प्यार के झूले, तेरी बाहों में झूले मन मेरा, तेरी मीठी हर बात रस की है बरसात, हमें अब सावन से क्या लेना क्या लेना। तेरे होठों के दो फूल प्यारे प्यारे, तेरी आंखों के दो तारे प्यारे प्यारे, अब मुझे चमन से क्या लेना, अब मुझे गगन से क्या लेना क्या लेना, हमें क्या लेना क्या लेना, हमें क्या बहुत अच्छा भरत जी, आपने बहुत अच्छा गाया। एज यूजुअल मुकेश के गाने तो आपको सूट करते ही हैं, हमको ऐसा लगता है कि हमारे साथ में भी एक मुकेश बैठे हैं। बहुत अच्छा गाया, इट वाज अ वेरी गुड सॉन्ग एंड नाइसली संग, नाइसली परफॉर्म्ड, वेरी गुड परफॉर्मेंस, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। आगे बढ़िए, लेट्स मूव फॉरवर्ड। स्नेह एंड देवल, ओवर टू यू। वी कैन गाइड हिम इन द बैकग्राउंड, स्नेह यू कैन हेल्प हिम इन द बैकग्राउंड। Yeah, so I think let's continue with the another one, the next one. Kishore ji. Is Kishore ji here? लगता है किशोर जी नहीं है, let's call अफजल भाई and सुषमा जी please. और उसके बाद रीटा जी प्लीज रेडी रहिए आप। अफजल जी प्लीज कम फॉरवर्ड, प्रोसीड, आप रेडी हैं अफजल जी? अनम्यूट कीजिए अफजल जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हेलो हेलो, आई हैव चेंज माय सॉन्ग टू अनदर सॉन्ग, इज फ्रॉम फिल्म प्रोफेसर, गाने का है ए गुलबदन, ए गुलबदन। ओके, गुलबदन है गुलबदन, फूलों की महक कांटों की चुभन, तुझे देख के कहता है मेरा मन, कहीं आज किसी से मोहब्बत ना हो जाए, कहीं आज किसी से मोहब्बत ना हो जाए। गुलबदन है गुलबदन, फूलों की महक कांटों की चुभन, तुझे देख के कहता है मेरा मन, कहीं आज किसी से मोहब्बत ना हो जाए, कहीं आज किसी से मोहब्बत ना हो जाए। क्या हसीन मोड़ पर आ गई जिंदगानी, ये हकीकत न बन जाए मेरी कहानी, क्या हसीन मोड़ पर आ गई जिंदगानी, ये हकीकत न बन जाए मेरी कहानी,
जब आए बड़ी ये ठंडी पवन सीने में सुलग उठती है अगन तुझे देख के कहता है मेरा मन कहीं आज किसी से मोहब्बत ना हो जाए कहीं आज किसी से मोहब्बत ना हो जाए अजीब रंग में सज रही है खुदाई के हर चीज मालिक ने सुंदर बनाई अजीब रंग में सज रही है खुदाई के हर चीज मालिक ने सुंदर बनाई नदिया का चमकता है दर्पण मुखड़ा देखे सपनों की दुल्हन तुझे देख के कहता है मेरा मन कहीं आज किसी से मोहब्बत ना हो जाए कहीं आज किसी से मोहब्बत ना हो जाए यूं आहें मिलाता चलाऊं के तुम्हीं को मैं तुमसे जुड़ाता चलाऊं मैं तुम्हीं से यूं आंखें मिलाता चलाऊं के तुम्हीं को मैं तुमसे जुड़ाता चलाऊं मत पूछो मेरा दीवानापन आकाश से ऊंची तुझे देख के कहता है मेरा मन कहीं आज किसी से मोहब्बत ना हो जाए कहीं आज किसी से मोहब्बत ना हो जाए ऐ गुलबदन फूलों की महक कांटों की चुभन तुझे देख के कहता है मेरा मन कहीं आज ना हो जाए कहीं आज किसी से मोहब्बत ना हो जाए कहीं आज किसी से मोहब्बत ना हो जाए थैंक यू बहुत खूब अफजल जी बहुत खूब मोहम्मद रफी की जो आवाज़ है इसमें आपको बहुत सूट करती है एंड आई लव्ड इट अफजल भाई बहुत अच्छा गाया आपने समा बना दिया थोड़ा सा हम लोग भी झूमने लगे बहुत अच्छा गाया आपने अफजल भाई की आवाज़ और रफ़ी की आवाज़ है और भरत भाई की आवाज़ मुकेश की आवाज़ है तो हमारे पास रफ़ी साहब ना म्यूज़िक की आ रही है ना आपकी गाने की आ रही है सो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस टाइम प्लीज़ गेट इन टच विद हमारे पंकज सर जी से कॉन्टेक्ट करिए अगर आप मिक्सर यूज़ कर रहे हैं तो और अगर आप कराओ के माइक के साथ में एक्सटर्नल स्पीकर से यूज़ कर रहे हैं तो गेट इन टच विद मी आई विल हेल्प यू आउट टू सॉर्ट दिस प्रॉब्लम एंड नेक्स्ट टाइम यू कैन सिंग इन अ बेटर वे आई रियली apologize for this हम आपको सुनना चाहते हैं और हम आप ये नहीं चाहते कि आप गाएं और हम आपको अंधेरे में रखें कि आपकी आवाज़ नहीं आ रही है तो हम आगे बढ़ते हैं तिकवानी जी थैंक्स फॉर कमिंग इट वॉज रियली गुड अगर हम आपकी आवाज़ सुनते तो अगली बार जरूर सुनेंगे स्नेहा एंड देवल टेक इट ओवर प्लीज can I say something the journal आपका गाना so nice I wanted to hear you just one or two line without anything because when you were speaking, it was really nice and clear. But the when you started music and the, that phone in front of you, we couldn't hear anything. Just sing two line without anything. That's all. Okay. Two line. Without music, because, yes, exactly. Yeah, because it will sound probably better. It's always okay. Just sing two line. And if you want to sing a bit more, do it, please.
फिर कहीं कोई दी कोई फूल खिला चाहत ना कहो उसको, फिर कहीं कोई दीप जला मंजिल ना कहो उसको, फिर कहीं मन का समंदर प्यासा हुआ क्यों किसी से मांगे दुआ, मन का समंदर प्यासा हुआ क्यों किसी से मांगे दुआ, लहरों का लगा जो मेला तूफान ना कहो उसको, फिर कहीं गुड वेरी नाइस थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच थैंक यू रत्ना जी आपने थैंक यू सो मच रत्ना जी फॉर करेक्टिंग अस एंड लेटिंग हिम सिंग एट लीस्ट विदाउट द म्यूजिक सो वी कैन हियर हिम थैंक यू सो मच प्लीज प्रोसीड फॉरवर्ड स्नेहा देवल टेक इट फॉरवर्ड प्लीज थैंक यू ऑल हैव अ गुड वीकेंड आई विल टेक लीव ऑफ यू ऑल थैंक यू वेरी मच जाओ जी नहीं जितना भी हमने सुना काफी हमको अच्छा लगा and hopefully next time it will be much better thank you but jaise maine kaha ki aapki agar vocal achhi hai aapko music ki bilkul zarurat nahi hai aapka vocal already itna acha hai ki humko music ki zarurat nahi lagi thank you ye aapka bada pehna hai thank you so much chaliye abhi next Sneh knows I have some things to do so I have to leave not because of anything else don't okay. mistake me no sure okay thank you good night, good night. नेक्स्ट मैं किसी को बुलाना चाहती हूँ रीता जी आप रेडी है यस ओके रीता जी के बाद आएंगे सुषमा जी अभी जब मेरा जो गाना है वो है ताजमहल फिल्म का है आवाज आ रही है ताजमहल फिल्म का है जैसे फूलों का बताते हैं ना फूल बहुत मतलब आनंद देते हैं वैसे ताजमहल जो है ना वो इट इज अ मॉन्यूमेंट ऑफ सिंबल ऑफ लव और जो मुमताज महल थी वो इतनी खूबसूरत थी कि बोलते हैं कि जब वो पानी पीती थी तो यहाँ से अपने को दिखाई देता था कि वो पानी पी रही है इतनी सुंदर थी तो मैं गाना चालू करती हूँ मेरा वो रीता जी वो मस्तानी थी आवाज आ रही क्या खबर
जी आपकी आवाज बहुत ही स्वीट है। थोड़ा आज इंटरनेट का प्रॉब्लम चल रहा है, मेरी स्क्रीन शेक हो रही है, पता नहीं क्यों। नहीं है, मैं मोबाइल से गाती हूँ ना तो ऐसा होता है, इस पे गाती हूँ तो नहीं होता। उसका ओरिजिनल साउंड ऑफ था। आई थिंक मम्मी का कुछ सेटिंग चेंज हो गया है। शी कुड हैव कम लाइक नो, यहाँ आके ही बुक कर लेती तो बेटर रहता। ठीक है, नेक्स्ट टाइम, देयर इज ऑलवेज अ नेक्स्ट टाइम। कोई बात नहीं रीटा जी, आपने बहुत अच्छा गाया, हमने सुना गाने को, ऐसा नहीं कि आवाज़ नहीं आ रही थी, बहुत अच्छी आवाज़ आ रही थी, थोड़ा म्यूजिक के अंदर प्रॉब्लम था, बट इट वाज नाइस। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड, आपने अच्छा गाया, हमने एंजॉय किया। सेटिंग चेक कर लीजिए, देवल कैन हेल्प यू आउट इन दैट। लेट्स मूव फॉरवर्ड, देवल टेक इट ओवर। थैंक यू जी। नेक्स्ट आई विल लाइक टू इनवाइट सुषमा जी। सुषमा जी आप रेडी हैं? हाँ जी। और सुषमा जी के बाद हम रश्मि जी और दिलीप जी को बुलाएंगे। थैंक यू डेवन, थैंक यू मेरी एंड स्नेह जी। स्नेह जी ये आपके लिए, मत मुस्कुराओ इतना कि फूलों को खबर लग जाए, मत मुस्कुराओ इतना कि फूलों को खबर लग जाए, हम करें आपके तारीफ और आप ही को ना नजर लग जाए। कैसी वो
हरदम तेरा प्यार मांगू, फूल मांगू ना बहार मांगू, चैन मांगू ना करार मांगू, मैं तो सनम तेरा प्यार मांगू, फूल मांगू ना बहार मांगू। बहुत खूब गाया सुषमा जी आपने, इट वॉज़ अ वंडरफुल सॉन्ग। 90s के सॉन्ग को बहुत प्रेज किया जाता है पुराने लोगों में भी और नए लोगों में भी, इट वॉज़ अ गोल्डन मोमेंट ऐसा बोलते हैं लोग। बहुत अच्छा गाया आपने, ये गाना बहुत सुरीला है और मज़ा आया सुन के, वेरी नाइस। देवल प्लीज़ एक्सप्रेस योर व्यूज़ अबाउट इट। सुषमा जी आपने बहुत सुंदर गाया और आपने सही भी बोला, ये सही है एक्चुअली, फूल फूल नहीं चाहिए, बाहर नहीं चाहिए, सिर्फ प्यार ही चाहिए, एंड हम सबको भी सिर्फ प्यार ही चाहिए। थीम तो ये आज की फूलों की है, बट इन दिस ग्रुप टू बी इज़ अ लव इज़ इम्पॉर्टेंट। सो बहुत बढ़िया गाना और बहुत अच्छी तरह से आपने निभाया भी उसको, एंड वेरी थैंकफुल दैट आपने ये गाना सुना चुना। मैंने कहा प्यार के बिना भी जिंदगी नहीं है। नहीं नहीं सच में, बट हमको जरूर अपने हस्बैंड से फूल मांगने चाहिए। चलिए अभी मैं रश्मि जी से बुला रश्मि जी को बुलाती हूँ। रश्मि जी वेलकम। रश्मि जी थैंक यू। फर्स्ट आई वुड लाइक टू से सॉरी आई एम अ बिट डिलेड टुडे। आपका ओरिजिनल साउंड प्लीज ऑन कर दीजिए। कनेक्टेड विद ब्लूटूथ माइक, कैन यू हियर मी नाउ? यस, इज इट ओके? थोड़ा एको ज्यादा है। एको ज्यादा है? ओके अच्छा, अभी રશ્મિ બેન તમે સ્ટાર્ટ કરજો ગાવા માટે, ઓકે છે? આપણે સાંભળી લે, તમે સ્ટાર્ટ કરજો, સ્ટાર્ટ સિંગિંગ। એક આવાજ આ રહી,
Yeah, if she puts it up too loud, it will start hissing. So go with your original settings, please, Rashmi. Do you always say? जिंदगी का सफर एक ऐसा सफर कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं जिंदगी का सफर रश्मि जी बहुत बढ़िया एंड आई एम एक्चुअली आई डोंट नो व्हाट टू से मैंने आपका गाना ले लिया था सिलसिला का कोई बात नहीं वेरी वेरी बैड आई एम सो सॉरी मैंने प्लीज नो इट्स ओके बट हबी यू नो दिलीप ही फाउंड मी सेज यू नो डू दिस वन बिकॉज आई हैव संग दैट बिफोर लॉट्स ऑफ टाइम्स सो आई एम हैप्पी यू आर गोइंग टू सिंग और यू हैव संग इफ आई हैव नॉट हर्ड इट आई एम गोइंग टू हियर ऑल ऑफ द सॉन्ग्स फ्रॉम द वीडियो यू नो फ्रॉम द रिकॉर्डिंग लेटर ऑन So, I've never sung Kishore Kumar's song before, and Dilip challenged me. He said, "Please do this one." So that's why I did. But thank you very much for
रश्मि जी, रश्मि जी आपने बहुत अच्छा गाया। किशोर कुमार की आवाज़ में ये आनंद फिल्म का गाना है, बहुत ही इमोशनल सॉन्ग है और इसमें एक ही जगह पे फूल का वर्ड आता है और उस प्रॉम्प्ट को आपने पिक किया, इट वाज वेरी नाइस पिक, आई रियली एडमायर इट। एंड किशोर कुमार का गाना अगर आपने पहली बार गाना गाया है तो लेट मी टेल यू समथिंग, बहुत अच्छा गाया और उनकी फील को आपने मेंटेन रखा, दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट, वेरी नाइस। थैंक यू वेरी मच। I was a bit nervous. I thought, Kishore Kumar, I've never ever in my life. Very nice, very nice. Thank you very much, all of you. काफी सुंदर सॉन्ग था और काफी अच्छा सॉन्ग था और आपने काफी अच्छी तरह से गाया रश्मि जी। एंड मैंने प्रैक्टिस किया नहीं क्योंकि हमारे गेस्ट आए थे, मैंने फोन किया था स्नेह जी को, हम घर से आए ने बाहर से आए तो किसी का फोन आया क्योंकि मेरे हस्बैंड को मिलने आ रहे थे तो हमें ना नहीं कह सकते थे और वो हाफ नाइन पर गए। That's fine, that's fine. You did very well. That's not a problem. Very nice. We appreciate Thank that. You very much. Thank you. Okay, Deval, let's move ahead. Proceed further, please. Yeah. अब मैं बुलाना चाहती हूँ अपनी प्यारी सी स्वीट सी होस्ट जिनकी ये पूरा ये जुम है नहीं जी, और आज वो बहुत बढ़िया लग रही है, बहुत ब्यूटीफुल लग रही है मुझे। आई लव योर टॉप एज वेल। सो जिसके नेम में प्रेम है। Ali, thank you so much, and I'm really what would I say? Overwhelmed to see how well Deval is doing, and she has surprised us with her new talent. Oh, last week we discovered her singing talent, and this week we are seeing her hosting talent. And hats off to Rita Ji to have such a daughter. And a well-groomed daughter. So, thank nice you to so have much. You on with us, and please continue to join us in future. मेरा कॉलर टाइट थी क्या? कॉलर टाइट हाँ, बराबर. Thank you, Uzi ji, for supporting us with your, you know, knowledge and giving us so much of insight into how this. You know the importance of these songs. So my song is from the movie Barsaat Ki Ek Raat. It was picturized on Rakhi and Amitabh. And I hope all the settings are fine. So. अपने प्यार के सपने
सपने सच हुए से भरी थी जो गलियां उनमें खिली है अब गलियां झूमो नाचो बनाओ रंग रलियां कांटों से भरी थी जो गलियां उनमें खिली है अब गलियां चलो सजना कहीं चल के सारे लोगों से अपने प्यार के सपने सच हुए अपने प्यार के सपने सच हुए स्नेजी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल और आप इतनी खूबसूरत लग रही है गाने के साथ एंड इट्स टोटली सूटिंग योर पर्सनालिटी बहुत अच्छा अच्छा गाना पिक किया स्नेजी आपने वेरी नाइस सॉन्ग अपना एक माहौल बन गया था गाना सुनते सुनते प्यार के सपने अपने म्यूजिकल माइंड के भी सच हो रहे हैं तो सब लोग प्यार से गाते हैं प्यार से सुनते हैं सो सचमुच सपना साकार होता नज़र आ रहा है इट वाज अ वंडरफुल सॉन्ग बहुत अच्छा गाया आपने और आपके साथ में जो मेल सिंगर थे उन्होंने भी अच्छा गाया पता नहीं कौन है लेकिन अच्छी आवाज़ है प्रमोद जी सो प्रमोद जी के लिए भी एक बिग हैंड ही इज सपोर्टिंग यू इन दिस सॉन्ग सो इट वाज वंडरफुल I wanted to say this is one of the songs that really suits you. Your personality, it goes so well with you. So well done. Thank you so much. Sounded great. Thanks. अब लोग अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हैं. Okay, can I quickly play something? I know Jao Ji's song got messed up and he had actually sent me a short clipping of his song. So Either add it on later, or it's up to you. Give me a heads up. Yeah. Okay.
फिर कहीं कोई फूल खिला चाहत ना कहो उसको फिर कहीं कोई दीप जला मंजिल ना कहो उसको फिर कहीं I would like to call our superman here. I would like to call Uzi Ji, come over and let's enjoy one more of your songs. So over to Uzi Ji. Thank you so much calling me again. तो आज की फूलों की महफिल बहुत अच्छी रही. आई वुड लाइक टू थैंक एवरीबडी ऑफ यू टू पार्टिसिपेट इन दिस फूलों की खुशबू के अंदर. अच्छे गाने गाए सब लोगों ने फूलों के. इट वाज वंडरफुल. देवल ने बहुत अच्छा होस्ट किया. आई लाइक इट रियली देवल. इट्स वंडरफुल जॉब बाय यू. चलते चलते मैं आप सभी के लिए ये गाना आप लोगों के लिए डेडिकेट कर रहा हूँ. इसलिए क्योंकि साथ कभी लंबा भी होता है कभी छोटा भी होता है तो कभी अलविदा ना नहीं कहना चाहिए. तो ये गाना आप सभी के लिए. चलते मेरे ये गीत याद रखना कभी अलविदा ना कहना कभी अलविदा ना कहना. चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना कभी अलविदा ना कहना कभी अलविदा ना कहना. रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना कभी अलविदा ना कहना कभी अलविदा ना कहना. सपनों को फिर भी तुम यूं ही
सजाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। बिछड़ जाए कहीं हम मगर, और सुनी सी लगे तुम्हें जीवन की ये डगर। बीच राह में दिल पर बिछड़ जाए कहीं हम मगर, और सुनी सी लगे तुम्हें जीवन की ये डगर। हम लौट आएंगे, तुम यूं ही बुलाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। बहुत खूब, बहुत खूब रूजी जी। ऐसा क्यों लगता है कि लाइक आपको बस सुनते ही रहो, सुनते ही रहो, आप कुछ भी बोलो हम सुनते ही रहेंगे, एंड वी नेवर गेट बोर्ड, चाहे वो सॉन्ग हो या आप कुछ इंफॉर्मेशन दे रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, लाइक यू नो योर वॉइस इज टोटली अमेजिंग। Thank you so much. He has a mesmerizing voice. And the completely good personality and a package in itself. So keep it up, Muzi ji. Well done. Muzi, कुछ बातें कहना चाहता हूँ। जैसे लोग बोलते हैं कि आप, ये पहली बार नहीं सुना है मैंने देवल, आई एम गेटिंग दिस लॉट, कि जब मैं कुछ बात करता हूँ तो पीपल लाइक टू हियर मी मोर। दो तीन चीज़ें बताना चाहता हूँ हम सब लोगों के लिए। हम में कुछ लोग एल्डर्स भी हैं, हमसे बड़े हैं, उम्र में बड़े हैं, एक्सपीरियंस में बड़े हैं, नॉलेज में बड़े हैं। नॉलेज का ऐसा दरिया है जो कभी ख़त्म नहीं होता, बढ़ता रहता है। मैं तो उसमें से कुछ बूंदे ही ले पाता हूँ और उनको शेयर करने की कोशिश करता हूँ। एक चीज़ हमेशा याद रखिए जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, अपने अंदर, इंसान के अंदर जो आत्मा है, जो रूह है, वो मासूम होती है। कोई भी इंसान ईविल पैदा नहीं होता, नो ह्यूमन बीइंग हैज़ बॉर्न ईविल। हर इंसान एक खूबसूरत आत्मा है, रूह है। उसकी खूबसूरती और उसकी मासूमियत को अगर मरने ना दिया जाए, उसका ध्यान रखा जाए, तो हर इंसान को सुनने के बाद, उसकी बातें जानने के बाद, वो हमको अच्छा लगने लगता है। तो उसको बहुत ज़िंदा रखना ज़रूरी है, उस मासूमियत को, चाहे उम्र कोई भी हो, छोटी हो, बड़ी हो, हमसे उम्र दराज लोग हो या फिर हमसे यंग भी हो, उनको भी कहीं हमसे ज़्यादा नॉलेज हो सकता है। तो सुनने का मज़ा तब आता है जब आत्मा, जब रूह जो हमारी है वो पाक हो, साफ़ हो, प्योर हो, उसमें कोई इम्प्योरिटी ना हो,
तो वो अपने आप ही छलक जाता है आपकी बातों में, आपकी आवाज़ में और आपके चेहरे में और आपकी पर्सनालिटी में। सो इतना ही है, बस इसको कायम रखिए। सब ब्यूटीफुल है, एवरीथिंग इज ब्यूटीफुल, खूबसूरत, सुंदर है। वेरी वेल सेड उसी जी, एंड आई अप्रिशिएट योर थॉट्स। और सही बोला, हर एक के दिल में एक छोटा सा जान बची, जान बसी हुई होती है और उसको आपको पहचानना है। एंड बेस्ड ऑन ऑल द लाइफ एक्सपीरियंस यू एक्चुअली गेट टू नो दैट व्हाट्स देयर इनसाइड एंड हाउ टू टेक दैट इनसाइड आउट एंड देन इट रिफ्लेक्ट्स टू द होल वर्ल्ड। Thank you so much. Just being honest with yourself, how honest you are to yourself and how much you care for the people, especially your soul. एक बात मैं बोलूं? बोलो। मुझे सुमन ने बताया कि आप सबको कमेंट करती हो और दिल से करती हो, तो मैं एक चीज बोलूं कि सुमन को मैंने बताया कि अगर कोई सिंगर है या कोई भी हो, मैं तो एक प्रिंसिपल थी इसके लिए मुझे पता है, अगर बच्चा छोटी सी कोई चीज करता है ना, अगर उसको अप्रिशिएट करो ना, तो वो इससे बड़ी चीज करते हैं। पहले तो नोटिस करो, सिंगर पहले तो नोटिस कर ले टीचर, ऑब्जर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक सिंगर जो होते हैं ना, अगर उनको थोड़ा सा अप्रिशिएट करो ना, चाहे वो कैसा भी गाता हो, कैसा भी हो, अप्रिशिएट करोगे तो उसको और अच्छा करने की एक उम्मीद बढ़ती है, एनकरेजमेंट मिलता है और वो अच्छा करता है। अफजल भाई आप क्या चाहते हो, आप क्या बोलते हैं इस मामले में? अफजल भाई थोड़ी रोशनी डालिए, शमाए महफिल अफजल भाई के सामने लाई जाए। मैं बहुत ज्यादा बोलता नहीं हूँ, कम ही बोलता हूँ वैसे। हम बोलने वाले बहुत अच्छा बोलते हैं, इसीलिए आज आपको बुलाया मैंने, बोला आज शम्मा महफिल अफजल भाई के सामने रखी जाए, चाहे बोले ना बोले। मैं तो यही बोलता हूँ कि सभी अच्छा गा रहे हैं और आज मजा आया गाने का और सुनने का भी, और मैं उम्मीद करता हूँ आगे से भी हम सब ऐसे ही रहे, ये मैं कह सकता हूँ। यू नो, और जो भी आप लोग ने जो भी इंफॉर्मेशन दी है वो सब बहुत मज़ा आया सुनने का, और थोड़ा हाँ। मिलता भी है आपने, अपने को यू नो थोड़ी इंफॉर्मेशन भी मिली है, और आज तो बहुत ही वाकई बहुत अच्छा था सब। आज का एपिसोड थोड़ा ज़्यादा बॉन्डिंग था। Yeah, yeah, it was really wonderful, and I would suggest Uji, you can open one Zoom, you know, for only inspiration, giving everyone, you know, like encourage everyone, because the words and the knowledge what you bring here is really very helpful to everyone. You know, like why we sing here, and why we enjoy and all that. I think it's very important that people should know about it. What does it mean? नहीं मैं करता हूँ सुमन जी, आई एम अ पब्लिक स्पीकर, आई एम अ पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोच, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, क्वांटम फिजिक्स और कंपैरेटिव वर्ल्ड रिलीजन का मैं ऑथर हूँ। सो आई गिव लॉट ऑफ सेमिनार्स एंड जूम मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंस कॉल्स, वीडियो कॉल्स और पब्लिक स्पीकिंग भी करता हूँ मैं। अभी थोड़ा सा लो प्रोफाइल हूँ यूरोप के अंदर, क्योंकि कामों की वजह से वक्त नहीं निकाल पाता। आई एम ऑल्सो रनिंग माई ओन NGO। माई NGO इज़ नॉट ऑल अबाउट कि गरीबों को खाना खिलाओ, उनकी मदद करो, किसी को कपड़ा बांटो, वो नहीं है मेरे NGO में। My NGO is all about making people aware of their powers, spiritual powers in their existence. Your connection. Which NGO is that? It's mhf-world.org. I will share the link if somebody is interested in future. I've established that in Germany, and I think we will surely have a special, actually a special program for that. It is in the making. मैंने Uzi ji को request किया था कि ये topic पे गाना वाना साइड में करके वी जस्ट हैव अ चैट यू नो ऑन द यस जरूर 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 जैसे मैंने बात बताई, अफजल जी भी इस बात को राजी होंगे। अफजल आई थिंक ही इज फ्रॉम मुस्लिम कम्युनिटी। सो अफजल जी जो तजवीद और तरतील की बातें मैंने बताई हैं गजल से रिलेटेड, क्या लगता है इसके बारे में आपको? सही बात बोली आपने, जो भी आपने कहा वो अच्छा और सही बोला है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि सबको पता चला है कि आज क्या आपने बोला है। एक तो दूर दूर से पता नहीं, लोग इनको कांटेक्ट करके वो Uzi ji, वी आर ऑन YouTube लाइव। थैंक यू देवल,
You are a super host, and we have discovered your talent now, so we will bother you more often. And, no, thank you so much, Sneji. Actually, मुझे आपको बहुत बड़ा बड़ा thank you बोलना चाहिए because you texted me suddenly in the thing, and then you asked me that I should host. मैंने कभी imagine भी नहीं किया था कि मैं ऐसा कुछ करूँगी कभी. And I totally appreciate your thinking, your appreciation towards and encouraging people others. And it's definitely it's hats off to you. And Ravinder, I'm very, Paji, very, thank you, anybody here knows I'm a trained Montessori teacher, and my philosophy comes from Maria Montessori, the Italian. She was a doctor, and she worked with some underprivileged special kids. टीचर जी हमको भी थोड़ा सा ज्ञान दीजिए प्लीज. ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, जस्ट वॉच ऑब्जर्व लर्न एंड वॉच अदर्स. एंड एक बार ज्ञान सेशन होगा ना, एक बार ज्ञान सेशन होना चाहिए. एक दूसरे से सीखना है हमें. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड टू अंडरस्टैंड ईच अदर आल्सो. या यू जस्ट टेक द पॉजिटिव फ्रॉम द पर्सन एंड जस्ट एलिमिनेट द नेगेटिव. एग्जैक्टली. या वरना जिंदगी का क्या मतलब है, सहरा है जिंदगी का सफर सरसरी रहा, तुमसे तो क्या मैं खुद से भी अजनबी रहा. बात है. अरे वाह, प्रणाम गुरुजी, आपके चरण कहाँ हैं? ऊपर करके दिखाइए. आप कभी यूके लैंड करिए, हम आपके लिए यहाँ पे पूरा मंडल जमा कर देंगे. मैं गुरुजी नहीं हूँ, सादा सीधा टी शर्ट में बंदा हूँ यार. अच्छा, हम थोड़ा चैट करते हैं. विल से बाय टू यूट्यूब एंड या रविंदर पाजी तुसी जागे.